नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि हमारा यह यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत दुख होता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल में 3 साल से मेहनत कर रहे हो और अभी फिलहाल इस पोजीशन में आपका चैनल अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक मैसेज आ जाए कि आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों यूट्यूब जब ऐसा नोटिफिकेशन भेजता है तो वो ये नहीं चेक करता कि उस व्यक्ति ने कितने सालों तक के मेहनत किया है, उस व्यक्ति के यूट्यूब चैनल पर कितने मिलियन सब्सक्राइबर है। यदि यूट्यूब चाहे तो आपके चैनल को सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड का मतलब पूरा बंद कर सकता है। यदि आपको फिर से आगे बढ़ना है तो नया चैनल ओपन करना पड़ेगा और नए चैनल में फिर से आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। बट हमारे चैनल में ऐसा क्या हुआ है कि यूट्यूब ने हमें सस्पेंड करने का एक बार नोटिफिकेशन दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हमें क्रिकेट से थोड़ा अधिक लगाव है, यानी कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। हम क्या करते हैं, इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी संबंधी वीडियो भी अपलोड करते हैं, त्योहारों की जानकारी भी अपलोड करते हैं और साथ ही क्रिकेट का मैच का जो प्रेडिक्शन है वो भी अपलोड करते हैं। यानी कि बचपन से क्रिकेट काफी हमें पसंद है। बट क्या होता है कि यूट्यूब की ना एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को लेकर के आपको चलना पड़ता है। अब हमें गाइडलाइन तो बहुत सारी होती है, अब किस किस को व्यक्ति पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इस समय पिछले महीने की बात है, अप्रैल महीने में, 22 अप्रैल की बात है, 22 अप्रैल को हमें क्रिकेट का एक स्टेटस था धोनी का, मेरे ख्याल से। हाँ, उस समय 22 अप्रैल को ना जो मैच हुई थी, धोनी ने लास्ट बॉल में मैच फिनिश किया था, तो उसका स्टेटस हमारे व्हाट्सएप में आया। अब हमने क्या किया, उस स्टेटस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, क्योंकि वह स्टेटस वह वीडियो बहुत ज्यादा हमें पसंद था, क्योंकि धोनी ने उस मैच में लास्ट बॉल में 4 चौका मार के मैच को जिताया था। तो स्टेटस काफी बढ़िया लगा हमें, हमने उसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। अब क्या होता है, अपलोड तो कर लिया और उस वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, उस स्टेटस को मात्र 7 मिनट में 2000 व्यू आ गए। जी हाँ, 7 मिनट में 2000 व्यू आ गए। अब क्या होता है, 7 मिनट के बाद अचानक से वह वीडियो यूट्यूब रिमूव कर देता है। क्या करता है, कॉपीराइट स्ट्राइक करता है। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक करता है। अब हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय एक ऑप्शन आता है चेक करके, चेक होता है आपका वीडियो, तो यदि वह ऑप्शन उस समय ही आपको बता दे कि यह इसमें कॉपीराइट कंटेंट है, यह आप अपलोड नहीं कर सकते, तो फिर दोस्तों हमें मालूम चल जाता है। बट यूट्यूब क्या करता है, वीडियो को अपलोड होने देगा, अपलोड होने पे फिर व्यू आएंगे, व्यूज आने के बाद बताएगा कि आपका जो कंटेंट है कॉपीराइट है। अब ये एक स्ट्राइक हो गई। अब क्या होता है, पिछले 3-4 दिन पहले हमने एक और स्टेटस हमें अच्छा लगा था, वह जो पहले स्ट्राइक आई हमें उतना हमने उसको ध्यान नहीं दिया कि चलो यूट्यूब ने वीडियो रिमूव कर दिया है। अब क्या हुआ है, 4 दिन पहले एक और हमने ऐसे स्टेटस अपलोड किया था यूट्यूब में, धोनी के एक सिक्स का, बहुत लंबा सिक्स था वो, तो उस वीडियो पे भी, जी हाँ उस वीडियो पे भी 1K व्यू आ गए थे लगभग 4-5 घंटे में। अब क्या होता है, वह वीडियो फिर से रिमूव हो जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तब हमें एक बात मालूम चली कि यदि आपके चैनल पे 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी चैनल पे, करंटली हमारे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, 2। अब यदि तीसरी आएगी तो हमारा चैनल टोटली बंद हो जाएगा, ऑल फिनिश, टोटल चैनल को सस्पेंड, और हमें फिर से यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा। तो हमारी एक सलाह आपसे यह रहेगी, यदि आप भी एक यूट्यूबर हो तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करना, स्पेशली दोस्तों जब आपको पता ना हो, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में इस बारे में पता नहीं था। बस हमारा जो 2.5 साल से जो चल रहा था, बस वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, कॉपीराइट, एक कॉपीराइट क्लेम का पता था, बस कॉपीराइट स्ट्राइक का पता नहीं था। अब कॉपीराइट स्ट्राइक 2 बार आ चुकी है और उसमें ये भी हमने ध्यान से पढ़ा कि यदि 3 बार आती है तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा। तो यदि आप भी एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोस अपलोड करते हो, तो प्लीज दोस्तों ऐसी गलती ना करें, किसी भी कंटेंट को उठाकर अपलोड ना करें। हमें तो एक सीख मिल गई है कि हम किसी भी वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ, खुद के रिकॉर्ड की गए वीडियो को, खुद यदि हम जो फेस दिखाते हैं, फेस वाला वीडियो रहता है उसको, और जो म्यूजिक रहती है बस उसको, ये 3 चीजों को हम अपलोड करेंगे, बाकी अदर वीडियो को अपलोड अभी नहीं करना है। एक और बात, जो कॉपीराइट स्ट्राइक है, कहा गया है कि 3 महीने में हट जाएगी, तो कम से कम 3 महीने तक के तो हमको बिल्कुल सावधानी रखना ही रखना है, कोई भी कंटेंट को अपलोड नहीं करना है। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।